क्या? Oh no, विकी ऐसा नहीं कर सकता। Come on, मंजू, ये पढ़ने के बाद भी तो दुनिया के सामने कह सकते हो कि तुम्हारा बेटा बेकसूर है। अरे तुम्हारी बात मानेगा कौन? ताजू की बात ये है कि तुम भी नहीं मान रहे, सबकी तरह तुम भी मानते हो कि विकी दोषी है। Frankly, मंजू, हाँ, मुझे लगता है कि विकी इस मामले में बुरी तरह से क्लीन नहीं है। बनु, कम से कम एटलीस्ट यू सपोर्ट हिम, तुम बाप हो उसके। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हारे लाड प्यार ने बिगाड़ा लड़के को। अच्छा, तो अब मुझ पे दोष लगा रहे हो? नहीं नहीं मंजू, मैं तुम पे दोष नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ सच कह रहा हूँ। जो भी हुआ है ना, यू आर रिस्पॉन्सिबल। यस, यू आर रिस्पॉन्सिबल। आई कांट बिलीव दिस। कैन आई से समथिंग? या श्योर। ये वक्त आपस में झगड़ने का नहीं है विकी, तुम दोनों का बेटा है। इस वक्त हमें ये सोचना है कि उसे जल्द से जल्द जेल से बाहर कैसे निकाला जाए। भाई जल्द से जल्द तो आप ही बाहर निकाल सकती हैं उसको। आप ही तो हमेशा कहती रहती है ना कि आपके बड़े कॉन्टैक्ट हैं, एक फोन पे काम हो जाता है। तो निकालिए ना अपने दोस्त के बेटे को बाहर। मनु, लीव नीलू अलोन, वो मेरी दोस्त है, तुम्हें उस तरह बात करने का कोई हक नहीं है। भैया तुम्हारी दोस्त है इसलिए तो मैं इनसे कह रहा हूँ, इनसे कह नहीं रहा हूँ बल्कि इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनके जो मिनिस्ट्री में कॉन्टैक्ट है उनका इस्तेमाल कीजिए, छुड़ाइए विकी को। मुझे लगता है मनु विराज इस वक्त बहुत परेशान है। Hold on. मैं परेशान नहीं, I'm just confused. मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपकी एक दोस्त क्राइसिस में है और उस क्राइसिस को दूर करने के बजाय आप उसे टीवी पर इंटरव्यू देने की सलाह दे रही हैं। आप इसकी दोस्त नहीं है, आप इसकी दुश्मन है। मनु, तुम नीलू की इंसल्ट कर रहे हो, प्लीज चुप हो जाओ इसी बात। No, listen, I didn't mean to insult her, but if I did, I apologize. Really sorry. मुझसे जो होगा मैं करूंगी अंजू, but I think right now you do need to be alone. You take care. I'll call you. Okay, ये पीस का हो गया। Now for this piece, I want this color combination. ठीक है? Pattern की detailing में बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। In the center, I need some mirror work. एंड दोनों साइड्स पे मुझे एम्ब्रॉयडरी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल इस कोने में और इस कोने में, जस्ट अ लिटिल बिट, जस्ट इम्परसेप्टेबल, बट आई वॉन्ट सम। एंड पिक्सी, आर यू लिसनिंग? या आई एम लिसनिंग, बट एम्ब्रॉयडरी क्यों, क्या हुआ? हमें जितना तुम वक्त दे रही हो उसमें एम्ब्रॉयडरी खत्म नहीं हो सकती। पिक्सी, इससे कम समय में इससे बड़ा ऑर्डर किया है मैंने। हाँ, और जो रेवा तुम पैसे कोट कर रही हो वो भी कम है। देन व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? एटलीस्ट अराउंड 750 अ पीस। 750 अ पीस? पिक्सी, मेरा सारा काम आराम से 300 रुपए में हो जाता है। इट्स नॉट पॉसिबल। कितने पीसेस हैं? 20। मुझसे तो नहीं हो पाएगा ये, एटलीस्ट 600 रुपए पर पीस तो लगेगा ही। ओह गॉड, ओके, फॉर यू 500 रुपीज अ पीस, नॉट मोर देन दैट, लेकिन सारा काम मुझे दो दिन में चाहिए। आई एम सॉरी रेवा, अगेन ये दो दिन में मैं काम भी नहीं खत्म कर सकती। आई हैव अ टाइम कंस्ट्रेंट यार, क्यों नहीं कर सकती? खुद फैशन डिजाइनर हो, तुम्हें खुद पता है इतनी एम्ब्रॉयडरी के लिए कितना वक्त लगता है। ओके फाइन, आई कैन मैक्सिमम गिव यू वन मोर डे ग्रेस, लेकिन तीन दिन में काम हो जाना चाहिए। ओके, यू गेट स्टार्टेड राइट अवे प्लीज। तुम अभी शुरू कर दो, मैं चलती हूँ। सी यू, बाय। ओह गॉड, माय बॉस इज गोइंग टू किल मी टुडे। हद हो गई, थोड़ा सा एडवांस मांगा था वो तो दिया नहीं गया, इससे तीन दिन में दे देना। पता नहीं कब, थिंग्स ऑफ अ सेल्फ मैन। यू टू मच मॉम, आप क्यों इतना झगड़ा करती है, वो भी मेरी टीचर से? मैंने झगड़ा किया? और नहीं तो क्या, आपको पता नहीं आपकी कितनी हंसी उड़ाते हैं मेरे फ्रेंड। उफ, ये मिली की मम्मी बार बार आ जाती है, एक एक मार्क्स के लिए लड़ती है। मेरी सारी टीचर्स आप पर हंसती हैं, मेरी सारी फ्रेंड्स आप पर हंसती हैं। हंसने दो, मैं और माओ की तरह नहीं हूँ बेटे, मुझे इंटरेस्ट है तुम्हारी पढ़ाई में। प्लीज मॉम। देखो मिली, मैं जो कुछ कर रही हूँ इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि तुम कॉलेज में टॉप करो, मेडिकल कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन आसान हो जाएगा बेटी। मम्मी, अगर मेरा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ना हो पाया तो? क्या मतलब? मतलब अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाई तो? देखो मिली, मेरा बहुत पुराना सपना है कि तुम डॉक्टर बनो, और तुम्हें डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। Whoa!
हेलो हेलो टीना, हाउ आर यू? तूने मुझे कैसे फोन कर लिया? आई एम सो ग्लैड. मैं ठीक हूँ, लेकिन ये बता तू तू रिसेप्शन में कब से बैठने लगी? अरे मैं माधव के कैबिन में जा रही थी और यहाँ रिसेप्शन पे कोई था नहीं, इसलिए मैंने फोन उठा लिया यार. अच्छा अच्छा, एक बात बता, तू दिन में माधव के कैबिन के कितने चक्कर लगाती है? शट अप, मेरी टांग खिंच रही है. नहीं नहीं, तेरे दिल का हाल पूछ रही हूँ. दिल विल कुछ नहीं है यार, बस ऐसे ही टाइम पास है. हाँ टाइम पास ही समझ ले. और तू क्या बड़ी मजे से बात कर रही है, तेरी सास घर में नहीं है क्या? नहीं नहीं, है ना घर पर, लेकिन लेकिन इस वक्त यहाँ नहीं है. हेलो हेलो, जोर से बोला, आई कांट हियर यू. टीना एक काम कर, तेरे पास माधव का नंबर है ना, उस पर दो मिनट में फोन कर ले. अरे माधव का माधव वो तो सबसे पहले आते हैं जब मैं पूजा करने बैठती हूँ. तू माधव की पूजा करती है? माधव की पूजा करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, वही तो मेरे सबसे प्यारे भगवान है. उस स्टूपिड मैनेजर माधव, वो तेरा भगवान है? तू पागल हो गई है? तेरा कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा है ना? माधव के मंदिर के चक्कर लगाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है. तू भी चलेगी मेरे साथ परिक्रमा करने? प्लीज सीना, मुझे माधव के चक्कर लगाने का कोई शौक नहीं. मैं उसके कैबिन में कभी भी जा सकती हूँ और कभी भी आ सकती हूँ, ओके? और मैं उसे अपने चक्कर लगवाती हूँ. हाँ हाँ, माधव तो राधा के चक्कर लगाते ही थे. मैं कोई राधा वाधा नहीं हूँ, प्लीज. और क्या हो गया तुझे यार, व्हाट आर यू टॉकिंग? हाँ हाँ, माँ जी भी है ना यहाँ पर, वो तो मुझे कभी नहीं रोकती भगवान कृष्ण की पूजा करने से. ओह गॉड, हाउ कैन आई फॉरगेट दैट, तू और तेरी माँ जी. तभी मैं सोचूं तू कब से भगवान के चक्कर लगाने लगी. अब हंसा बंद कर, चलेगी मेरी सास. अच्छा सुन, अगले महीने किट्टी पार्टी मुझे देनी है, और तुझे तो पता है कि मैं घर पर किट्टी पार्टी नहीं दे सकती. तो क्या हुआ, माधव के मंदिर में कर ले. नहीं नहीं कुकू, सच कह रही हूँ, इसलिए तुझे फोन किया था. तुझे तेरे होटल के रेट्स पूछने थे मुझे. अच्छा, इसलिए मुझे फोन किया था. डोंट वरी, तेरा काम हो जाएगा. आई विल गेट यू अ वेरी गुड डील, ओके? हाँ कुकू, प्लीज जरूर बताना मुझे. बाय, डन. ओके बाय. से आपका घर है रहमान. ये क्या उठाकर लेकर आ गई? बेटा बाहर करो इसे, जल्दी से बाहर करो. मम्मी जी सुनिए तो मेरी बात. मैं कुछ नहीं सुनना चाहती बेटा, इसे जल्दी से जल्दी घर से बाहर निकालो. मम्मी मेरी बात तो सुनिए, कोई इसे सड़क पे छोड़ गया था, मेरी कार के नीचे छुप के डर के बैठा हुआ था, इसलिए मैं उठा के ले. तो बेटा इसे इसके मालिक के पास देना था ना. मैंने बहुत कोशिश की मम्मी जी, लेकिन इसका मालिक मिला ही नहीं. कोई नहीं मिला तो तुम इसे उठाकर घर पर ले आई? क्या करती मम्मी जी, मेरा मन ही नहीं माना इसे सड़क पे छोड़ाने का. देखिए ना कितना प्यारा है, जस्ट लाइक अ स्मॉल बेबी. बेटा वो बात ठीक है, लेकिन हमने आज तक अपने घर में जानवर नहीं रखे. मुझे कुत्ता वत्ता बिल्कुल नहीं पसंद, और तुम्हारे पापा को तो बिल्कुल ही नहीं पसंद. इसलिए आप इतनी टेंशन में हैं? हाँ. आप क्यों इतना टेंशन ले रही है, मैं इसे संभालूंगी, हमें बिल्कुल तंग नहीं करेगा. प्लीज मम्मी, मैं इसे अपने रूम में रख लूंगी, ठीक है? अरे बेटा इसे अपने रूम में रखेगी तो शशांक को बुरा लगेगा. मैं शशांक से बात कर लूंगी मम्मी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए. आप भी सोचिए ना, देखिए देखिए कैसे खेल रहा है. सोचिए ना मम्मी जी, अगर हम इसे फिर से सड़क पे छोड़ देंगे तो क्या हाल होगा बेचारे का. मम्मी जी प्लीज इसे यहीं पे रहने दीजिए. अब मैं क्या कहूँ, ठीक है शशांक मान जाता है तो रख ले, उसे मैं मना लूंगी. प्लीज ठीक है, ओके. अरे ये क्या कर दिया, इधर आओ इधर आओ, पहले माय पास आओ. आज आज बच्चे ओके ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं. क्या हुआ, शुशु कर दिया ना? हाँ कोई बात, नो प्रॉब्लम. हेलो राव. यस माधव विराज,
Hi. Hi. How are you? Not too good. You are sounding very upset. Yeah, exactly. मुझे पता नहीं था कि पूरी बात क्या है, लेकिन पता लगाने के लिए विकी को रिलीज तो कराना पड़ेगा ना। Yeah, I know. तो कहीं से पुल लगाइए ना। हाँ, कोशिश तो कर रहा हूँ। राव, तू एम्बेसी में काम करता है, तेरे कनेक्शंस होंगे यार। मामला प्रेस तक पहुंच गया है। And let's face it, कोई भी मदद करने से पहले दोबारा सोचेगा। But let's work it out. मुझे सोचने दो कि हमें क्या करना चाहिए। या, तेरे वो अंकल थे ना? वो यूएस गए हुए हैं यार, बस महीने भर बाद लौटेंगे। ओके, थैंक्स। But you don't worry. I'll work it out. मैं कुछ करता हूँ। Let me make some phone calls. Do that. हाँ, कुछ हो जाए तो मैं फोन करता हूँ। Thank you. हेलो। हाय। हाय, कैसे हो? फॉर्मेलिटीज छोड़ो और ये बताओ कि विकी जेल से छूटा या नहीं। अभी तक तो नहीं। What do you think I'm doing? फोन पे फोन किए जा रहा हूँ, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा। प्रेस वालों ने इस तरह उछाला इस मामले को, कोई मदद ही नहीं करना चाहता रेवा। You know, I'm so tired, just fed up of the whole thing. क्यों? मंजू के तो बहुत बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं ना, सुबह शाम उसका सोशलाइज के साथ उठना बैठना है। उसकी खास दोस्त निलोफर तो सोशल वर्कर है, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस तक उसकी रीच है, फिर भी। Listen, Reva, don't be a... Please don't be sake, okay? मंजू के कॉन्टैक्ट्स, मेरे कॉन्टैक्ट्स क्या कर रहे हैं ये सोचने के बजाय अगर तुम अपने कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करो तो एहसान होगा मुझ पर। तुम तो गुस्सा हो रहे हो। I didn't mean it like that, Raj. और अगर मैंने अब तक कुछ नहीं किया है तो सिर्फ ये सोचकर कि मंजू गुस्सा हो जाएगी। अरे भाई, बेटा जेल से छूट जाएगा तो किसे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारा ये काम भी कर दूंगी, लेकिन एक शर्त है। I knew. मुझे मालूम था कि तुम कोई ना कोई शर्त जरूर रखोगे। बोलो क्या शर्त है? मेरा बेटा जेल से छूट जाए। I'll do anything. Tell me. बहुत बड़ी कीमत नहीं मांगूंगी इस छोटे से काम के लिए। ओके, टेल मी, आई विल डू इट। ओके, तो पहले मैं तुम्हारा काम कर दूं, उसके बाद आई आस्क फॉर माय फ्रेंड्स। ओके, डन, थैंक्स। प्राइस, एवरीबॉडी वांट्स अ प्राइस। मे आई कम इन सर? कम इन। आपने बुलाया था सर? सुबह 10 बजे से मैं बुला रहा हूं तुम्हें। सॉरी सर, एक्चुअली मैं बहाने बनाने की कोशिश मत करो। ये नौकरी तुम्हें बहाने बनाने के लिए नहीं दी गई है, बल्कि काम करने के लिए दी गई है। मुझे लगता है तुम्हारे काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अगर ऐसी बात नहीं है तो लेट क्यों हुई तुम? मैंने तुम्हें खास कहा था कि आज तुम्हें टाइम पे ऑफिस आना है। कहा था कि नहीं? यस सर। मैंने तुमसे कहा था कि ये पेपर्स 10 बजे के पहले बैंगलोर डिस्पैच को जाने चाहिए। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आई नो सर। लेकिन ये किया क्यों नहीं फिर? ये कुरियर यहीं क्यों पड़ा? सर, मैं अभी कर देती हूँ। आई विल डू इट दिस वेरी मिनट सर। दैट्स नॉट द पॉइंट पिक्सी। यू आर टेकिंग नो इंटरेस्ट इन योर वर्क। एक बात याद रखो, ये नौकरी मांगने मेरे पास तुम खुद आई थी। आई हैड समबडी एल्स इन माइंड फॉर द जॉब। लेकिन तुम्हारी परेशानियां और दिक्कतों को देखते हुए मैंने ये नौकरी तुम्हें दी, और आज You are making me regret my decision. Sir, actually वो मेरे बेटे को रोज कुछ ना कुछ होता रहता है तुम्हारे बेटे को, जिसकी वजह से या तो तुम जल्दी चली जाती हो या लेट आती हो। I am fed up. Sir, this won't happen again. आगे से ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आगे से ऐसा हुआ तो मुझे तुम्हें नौकरी से निकालना पड़ेगा। Right, sir. ये लीजिए हमारे अहमदाबाद प्रोजेक्ट वाली फाइल। मैं चाहता हूँ इसको आप पूरी तरह स्टडी करके आज अपने घर जाने से पहले कंप्लीट कर दें। या सर, बट कुछ 7-8 घंटे लग जाएंगे सर इसमें। अगर 3 घंटे लेट आई हो तुम, अगर 3-4 घंटे एक्स्ट्रा काम कर लोगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। I'm sorry for today, sir. Excuse me. Thank you.
हेलो हाय हाय हाँ बोलो। मैंने कहा था ना अगर विकी को छुड़ाना है तो मैं उसे कुछ ही घंटों में छुड़ा सकती हूँ। हाँ तुमने कहा था लेकिन लेकिन क्या जो कहा था वो कर भी दिया है। मतलब मतलब ये कि विकी जेल से छूट भी जाएगा और उसके अगेंस्ट जो इल्जाम है वो भी वापस ले लिए जाएंगे। Hey, I don't believe this. तुमने ये सब किया कैसे? Very simple. जिन लड़कियों ने विकी के अगेंस्ट कंप्लेंट दी थी मैं उन्हें जानती हूँ। Okay. और जिस लड़की की कार विकी ने डैमेज की थी उसकी माँ मेरी पुरानी दोस्त है। मैंने उनसे बात कर ली और एक उन्हें प्रपोजल दिया। कैसा प्रपोजल? मैंने उन लड़कियों से कहा अगर उन्होंने विकी की अगेंस्ट कंप्लेंट वापस ले ली तो मैं उन्हें अपने फैशन शोज में मॉडलिंग का चांस दूंगी। And you know how today's girls are. मैं एक बार फिर तुम्हारे काम आई हूँ राज। हाँ, absolutely, बिल्कुल, yes. जब लड़कियों ने कंप्लेंट वापस ले ही ली तो पुलिस विकी को जेल में रखकर क्या करेगी? छोटा सा काम था। चीफ मिनिस्टर के कनेक्शंस किटी पार्टी में मेंशन करने के लिए ठीक होते हैं लेकिन वक्त पर काम नहीं आते। आई होप तुम समझ रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। Yeah, I understand. Well, thank you very much, really. Thanks, बाद में बोलना। पहले अपने बेटे को घर ले आओ। Yeah, bye. Bye. मंजू, काम हो गया है। विकी छूट जाएगा। Really? Yeah. और उस पर केस भी नहीं चलेगा। चलो ना जल्दी चलो। I'm dying to see my baby. Let's go. नीलू करूं क्या? रेवा ने कहा अच्छे पैसे मिलेंगे इसलिए मैं मना नहीं कर पाई। मुझे लगता है तूने जल्दबाजी की पिक्सी। तुझे नहीं लेना चाहिए था ये काम। रेवा का नेचर तो तू जानती है। जानती तो हूँ पर इस सैलरी में अपना काम कैसे पूरा करूँ? I have to have some side income. रोहन भी तो बड़ा हो रहा है। हाँ और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वही तो मैं कह रही हूँ घर के खर्चे खत्म ही नहीं होते। अब रोहन कह रहा था कि उसे इस गर्मियों में क्रिकेट कोचिंग कैंप के लिए जाना है। इट्स वेरी एक्सपेंसिव नीलू बट आई कांट से नो। उसके लिए पैसे बचाने ही पड़ेंगे। फिर पता मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसे केरला लेके जाऊंगी बैक वाटर्स दिखाने। ही इज एक्सपेक्टिंग दैट टू। आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू। मैं समझती हूँ तुझ पे कितना प्रेशर है पिक्सी। इसीलिए तो हाँ कहा था रेवा को पर उस तक मुझे कहाँ पता था कि इस ऑफिस की उलझनों में इतनी मुश्किल हो जाएगी। मैं तेरी मदद करने की कोशिश करती हूँ। कि तुम कैसे मदद करोगी मेरी? मुझे याद है नताशा और टीना दोनों ने मुझसे कहा था कि वो एम्ब्रॉयडरी जानती हैं। उनसे बात करती हूँ। लेट्स सी। Do you think they'll help me out? मैं कहूँगी तो क्यों नहीं करेंगी? Let me talk to them. Hey, thanks, नीलू, अगर ऐसा हो जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा यार। Thanks a lot, यार। अच्छा मैं बाद में फोन करती हूँ। काफी देर हो गई है। Okay, bye. मामा, मामा, are you okay बेटा? मामा, मैंने सचमुच कुछ नहीं किया। Okay okay बंद करो ये रोना। अच्छा बेटा रिलैक्स हो जाओ। हमें मालूम है तुमने कुछ नहीं किया बच्चे। चुप हो जाओ। चलो रोना बंद। Thank you. शुक्रिया तो आपको उन लड़कियों का करना चाहिए जिन्होंने विकी के ऊपर लगे सारे चार्जेस वापस ले लिए। वरना तो ये जमानत ये कोर्ट कचहरी से तो मैं भी नहीं रोक सकता। फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। I'm sorry इंस्पेक्टर। उस दिन मैं हाँ हाँ कोई बात नहीं। हमें तो आदत। अब चलें। चलो आओ।